1869 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया रूल के दौरान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक जियोलॉजिस्ट फ्रेडरिक रिचर्ड मैलेट को राजस्थान के वारन जिले में मौजूद रामगढ़ विलेज में एक अजीब भूभाग के होने का पता चला। जब उन्होंने इस जगह को विजिट किया तो वह वहां मौजूद एक विशालकाय गड्ढे को देखकर हैरान थे। यह लगभग 3.5 किलोमीटर व्यास में फैला था, जिसके किनारे शेष भूभाग से 250 मीटर की ऊंचाई तक उभरे हुए थे। ये पूरा भूभाग एक कटोरी की शेप का था, जो कि दूर से पहाड़ियों के एक समूह की तरह प्रतीत होता था। दोस्तों, उस समय मैलेट और उनके सहयोगी कुदरत की इस रचना को देखकर काफी हैरान थे, मगर वे ये नहीं जानते थे कि उन्होंने करोड़ों वर्ष पहले घटित हुई एक खगोलीय घटना के साक्ष्य को खोज निकाला है। आज के एपिसोड में हम इसी घटना के बारे में बात करेंगे और इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारियों के बारे में जानेंगे, तो चलिए जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी ऐसा नॉलेजेबल कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज से 16.5 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर डायनासोर का राज था। इस अपर मिडल जुरासिक पीरियड के समय पेंजिया महाद्वीप टूटकर बिखर रहा था और इंडियन सबकॉन्टिनेंट यूरेशिया की ओर बढ़ रहा था। जियोलॉजिस्ट के अनुसार इसी समय एक उल्का 30 से 40 डिग्री के कोण से मॉडर्न डे राजस्थान के रामगढ़ इलाके से टकराई। इस इंपैक्ट के कारण एक मैसिव बाउल शेप स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ। इसी स्ट्रक्चर को आज हम रामगढ़ क्रेटर के नाम से जानते हैं। हालांकि उस उल्का का आकार कितना था, इसका अनुमान अभी तक लगाया नहीं जा सका है, लेकिन रामगढ़ क्रेटर का बारीकी से विश्लेषण करने के बाद वैज्ञानिकों को पता चला कि उस समय भारत का यह भूभाग पानी में डूबा हुआ था और इस टकराव ने इलाके के भौगोलिक परिदृश्यों को बिल्कुल ही बदल दिया था। 1869 में इस साइट के फर्स्ट विजिट के बाद से ही देश विदेश के कई रिसर्चर्स और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इस इंपैक्ट के बारे में शोध करने में जुटे थे। इसी के तहत वर्ष 1960 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ लंदन ने रामगढ़ साइट को एक क्रेटर के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया, मगर वह ये नहीं समझ पाए थे कि ये एक मीटरोइड इंपैक्ट क्रेटर है। इसके बाद रामगढ़ स्ट्रक्चर के वजूद को लेकर कई शोध किए गए और पाया गया कि ये क्रेटर एक उल्का के टकराने से बना है, लेकिन कई रिसर्चर्स ने अपने पीयर रिव्यूज में इस क्रेटर की सत्यता पर सवाल उठाए, जिसके कारण कई दशकों तक इसकी इंपॉर्टेंस को नेग्लेक्ट किया जाता रहा। मगर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कुछ जाने माने भूवैज्ञानिकों ने कई बार रामगढ़ क्रेटर के एक मीटरोइड इंपैक्ट क्रेटर होने के साक्ष्य दिए। इसी के तहत थॉमस कैंकमैन और IIT कानपुर में डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस के प्रोफेसर अमर अग्रवाल एक साथ इस क्रेटर की रिसर्च में जुटे थे और वर्ष 2020 में उन्होंने अपने 26 पन्नों के रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिए, जहां लंबे समय तक रिमोट सेंसिंग और बाकी मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज का यूज करके वे इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि वारन जिले में मौजूद ये स्ट्रक्चर एक इम्पैक्ट क्रेटर ही है, जो कि आज से 16.5 करोड़ वर्ष पहले वजूद में आया था। उनकी रिसर्च से ही ये साबित हुआ है कि उस समय राजस्थान का यह इलाका उथले पानी में डूबा हुआ था। दोस्तों, थॉमस कैंकमैन एक जाने माने जियोलॉजिस्ट हैं और वर्तमान में जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ फ्राइजबर्ग में प्रोफेसर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस रिसर्च के कुछ समय के बाद ही अर्थ इंपैक्ट डाटाबेस संस्था ने रामगढ़ क्रेटर को संवैधानिक मान्यता दे दी और इसे पृथ्वी पर मौजूद 200वें इंपैक्ट क्रेटर के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया, जिससे रामगढ़ क्रेटर लोनार और ढाला क्रेटर के बाद भारत का तीसरा और राजस्थान का पहला संवैधानिक मान्यता प्राप्त क्रेटर बन गया। दोस्तों, इस समय इस क्रेटर के अंदर कई हिंदू देवी देवताओं के मंदिर मौजूद हैं, जिनमें 10वीं सदी में बनाया गया प्राचीन शिव मंदिर भी मौजूद है। मगर अलाउद्दीन खिलजी ने जब इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था तो उसने इन मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए थे, जिसके कारण यहाँ मौजूद ज्यादातर मंदिर टूटे हुए हैं। लेकिन पर्यटन की दृष्टि से यह क्षेत्र काफी प्रसिद्ध है और अब जबकि स्ट्रक्चर को एक इंपैक्ट क्रेटर घोषित कर दिया गया है तो वैज्ञानिक नजरिए से भी यह काफी महत्वपूर्ण हो चुका है। दोस्तों, वैसे तो भारत में कई इंपैक्ट क्रेटर मौजूद हैं, मगर उन्हें साइंटिफिक कम्युनिटी की तरफ से अभी तक ग्लोबल एक्सेप्टेंस नहीं मिली है। ऐसा ही एक इंपैक्ट स्ट्रक्चर है जिसे शिवा क्रेटर के नाम से जाना जाता है। रिनोर्ड इंडियन प्लेंटोलॉजिस्ट शंकर चटर्जी जी ने सबसे पहले इस क्रेटर की परिकल्पना की थी और उन्होंने इसे एक सुपर क्रेटर की संज्ञा भी दी थी, क्योंकि उनके अनुसार इस क्रेटर का व्यास लगभग 500 किलोमीटर है। अगर आप इसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो हमारे साथ शेयर करें, हम आपको उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ आज के एपिसोड को समाप्त करते हैं। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।